पूरे देश के अंदर चार चरण के चुनाव पहले ही संपन्न हो चुके हैं, लेकिन मैं निश्चिंत होकर के चंडीगढ़ में हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो भाव चंडीगढ़ का है, जो भावना पूरे देश की है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, वही तो उत्तर प्रदेश का भी है। पहली बार हो रहा है कि पहले अभी पांचवां चरण का है, दो चरण इसके बाद भी है, लेकिन देश निश्चिंत है कि 4 जून को जब परिणाम आएगा तो जो जनता कहती है ना कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी ही और जीतेंगे तो हम लोग। निश्चिंत हैं क्योंकि परिणाम के बारे में जनता जनार्दन पहले से ही तय कर रखी है कि तीसरी बार, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस को चक्कर आने लगता है, क्योंकि कांग्रेस स्वयं 400 सीट पर चुनाव नहीं लड़ी है। तो वह अगर 400 सीट पर चुनाव लड़ती तो वो भी कह सकती थी, लेकिन उसको उसके कारनामों के कारण देश की जनता जनार्दन ने इस लायक नहीं छोड़ा कि वो 400 सीटों पर भी चुनाव लड़ सके। और इसलिए बहनों और भाइयों, जब जनता जनार्दन से कांग्रेस के लोग पूछते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग पूछते हैं कि 400 पार का मतलब क्या है, तो जनता जनार्दन उसका जवाब दे देती है, कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्योंकि जो राम का है वही राष्ट्र का है, जो राम का है वही हमारा है, बाकी किसी काम का नहीं है।